कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग जा रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऋतु चौहान आई हूँ मथुरा वृंदावन, और आज का मेरा प्लान है कि मैं आपको लेकर जाऊंगी अपने साथ इस्कॉन टेंपल। तो हम लोग आ गए नाश्ता करते हैं और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं इस्कॉन जाएंगे, और एक प्रेम मंदिर है अगर वो पाया टाइम पर अगर हम लोग रहे तो वहाँ पर। राधे राधे। पूरी आलू की सब्जी साथ में ये चटपटा अचार, आहा, मजा आ गया। क्या आप लोग जानते हैं कि यूपी साइड में ना ये बेड़ई कचौड़ी, बेड़ई जानते हैं? आपने बेड़ई सुना है? ये वहाँ के लोग ही जानते हैं। बेड़ई बिल्कुल ऐसी होती है, कचौड़ी जैसी होती है, दाल वाल अंदर मसाला लगा हुआ होता है, बहुत ही स्वाद होती है। ये ना सिर्फ यूपी साइड में ही अच्छी मिलती है, वो फ्लेवर वो टेस्ट वहीं पर मिलता है। और हीरा स्वीट काफ़ी रेनाउंड स्वीट की शॉप है, और यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी, मतलब लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ स्वीट्स मिलते हैं, और जिसको खाकर मज़ा आ जाता है बाय गॉड। और सुबह सुबह ये 80 रुपये का, सिर्फ 80 रुपये का हमने नाश्ता किया है पेट भर आलू पूड़ी का, वाओ मज़ा आ गया। आप लोग भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हीरा स्वीट से जस्ट 2-2.5 किलोमीटर दूर है इस्कॉन टेम्पल। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल। चलिए अंदर जाते जाते आपको मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें बता देती हूँ। इस्कॉन मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम पर समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृंदावन के सभी मंदिरों में से सबसे भव्य और इतना सुंदर दिखाई देने वाला मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के अंदर की गई नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकलाएं बहुत ही सुंदर हैं और भगवान के जीवन का वर्णन करती हैं। मंदिर के अंदर लोग पूजा पाठ करने के बाद अलग तरह की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। चलिए अब मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई कुछ बातें भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। वर्ल्ड का पहला इस्कॉन मंदिर यही है। इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। वाओ, मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत मजा आया पढ़ के कि न्यूयॉर्क में बैठ के उन्होंने यहाँ के मंदिर की जो बारे में सोचा और स्थापना की, अमेजिंग। और इस समाज की मूल मान्यताएं भगवत गीता पर आधारित हैं। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे, गोपियों के साथ लीलाएं किया करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया। यह स्थान कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर पवित्र अलंकृत मूर्तियां रखी गई हैं। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर की एनर्जी, वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हैं कि अंदर आकर ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो और आपके पैर खुद ही नाचने लगते हैं, आप झूमने लगते हो। आपने देखा, मुझसे भी नहीं रुका गया और मैंने भी वहाँ पर डांस किया।
चलिए अब पूरे मंदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं। पूरे मंदिर में बहुत ही सुंदर चित्रकलाएं बनी हुई हैं, जो कृष्ण भगवान के जीवन का वर्णन करती हैं, जिनमें राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, कृष्ण और गोपियां, सबकी चित्रकलाएं बहुत ही मनमोहक हैं। मंदिर के अंदर गूंजती हुई ये ध्वनि हरे रामा हरे कृष्णा आपके मन को एक शांति, एक सुकून का अनुभव कराती है। इस पावन भूमि वृंदावन की एक और खास बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जन्माष्टमी के साथ साथ होली का उत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं होली का उत्सव मनाने के लिए। मंदिर के बैक साइड में ये एक पुस्तकला भी बनी हुई है, जहाँ पर इस्कॉन और कृष्ण भगवान के जीवन का वर्णन करती हुई कई किताबें मिलती हैं। ये लीजिए, बाहर घूमते घूमते कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। ये सारे लोग मेरा शो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यार से देखा करते थे और इन्होंने मुझे झट से पहचान लिया। सुंदर दर्शन हुए हैं, जय श्री कृष्ण। अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मंदिर 1 बजे दोपहर में बंद हो जाता है, फिर 4 बजे खुल जाता है। भैया जी क्या क्या बेच रहे हो आप? 50 के हैं। राधे राधे। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली। मथुरा को इतना पावन भूमि कहा जाता है कि यहाँ जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये लीजिए, हम पहुँच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर बंद था क्योंकि हम लोग हो गए लेट। नेक्स्ट ट्रिप पर मैं आपको प्रेम मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि दिल्ली से अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो इसकी दूरी है 180 किलोमीटर और अगर आप आगरा में रहते हैं तो आप बिल्कुल मथुरा के बाजू में ही हैं, जस्ट 70 किलोमीटर्स अवे। सो दोस्तों, आप लोगों को इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस्कॉन के साथ साथ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बांके बिहारी जी के भी दर्शन कराऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। सो दोस्तों, अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, जल्दी मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।